तो दोस्तों, अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप फोन पे ऐप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो जैसा कि इसका नाम है म्यूचुअल फंड, तो ये कई लोगों का फंड होता है, पैसा होता है जो कि आप एक म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हो, और वो म्यूचुअल फंड कंपनी उस पैसे को अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करता है, जैसे कि शेयर मार्केट में, डेट में और गोल्ड में। तो आपको पता चल गया होगा म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का इनडायरेक्ट वे है। जहाँ पे आप खुद से स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते हो, आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को दोगे। म्यूचुअल फंड कंपनी में जो फंड मैनेजर होता है वो आपके पैसे को स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है और आपके पैसे को ग्रो करके आपको रिटर्न करती है। तो चलिए अब हम लाइव डेमो देखते हैं कैसे आपको फोन पे ऐप से किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करना होता है। तो दोस्तों, फोन पे ऐप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सिंपली आप अपने मोबाइल में ये एप्लीकेशन ओपन कर लोगे। फोन पे एप्लीकेशन ओपन करने के बाद नीचे यहाँ पे आपको वेल्थ का सेक्शन दिखता है, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है क्रिएट वेल्थ विथ SIP। तो यहाँ पे SIP का क्या मतलब है पहले वो समझ लेते हैं। तो आप दो तरीकों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, एक होता है लमसम और दूसरा होता है SIP। SIP का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लमसम में आप एक बार में पैसा इन्वेस्ट करते हो, अर्थात कोई बड़ा अमाउंट आप एक बार में इन्वेस्ट कर सकते हो, लमसम अमाउंट। और SIP का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें कि आप सिस्टमैटिक वे में मंथ ऑन मंथ कुछ पैसे किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करोगे। तो ज़्यादातर लोग SIP करने में बिलीव करते हैं, उनको हर मंथ तनख्वाह आती है और उस तनख्वाह और सैलरी में से वो कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ताकि समय के साथ कंपाउंडिंग होके उस छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से एक वेल्थ क्रिएट हो सके। तो यहाँ पे सिंपली आपको स्टार्ट SIP पे क्लिक करना है। अब सिंपली आप इसको पकड़ के इस तरह से स्क्रॉल करो। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मच डू यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट एवरी मंथ, अर्थात आप हर महीने कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो मान लो मैं 500 रुपीज़ हर मंथ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेट ग्राफ ड्रॉ कर दिया गया है कि आप हर महीने 500 रुपया भी इन्वेस्ट करके 4 लाख रुपए का वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, अगर आपको 12% पर एनम का रिटर्न मिलता है इन 20 ईयर्स। यहाँ पे देख सकते हो ग्राफ है, ग्राफ में एक्स एक्सिस में ईयर्स है और वाई एक्सिस में मनी है। तो यहाँ पे मैं 500 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग 5,000 10,000 जो भी इन्वेस्ट करना चाहो कर सकते हो। यहाँ आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब जो भी आपने अमाउंट सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड शो किए जाएंगे। जैसे कि आप वेरी हाई ग्रोथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होगा। और जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलने के चांसेस होंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो वेरी हाई रिस्क में रिटर्न परसेंटेज ज़्यादा है, फिर उससे कम अगर हाई रिस्क में आते हैं तो परसेंटेज थोड़ा कम हो जाता है, मॉडरेट हाई रिस्क में और परसेंटेज कम हो गया, और लो रिस्क वाले में आ जाए नीचे तो सबसे कम परसेंटेज रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं। रिटर्न मीन्स कितना परसेंट से आपका पैसा ग्रो करेगा। तो मान लो मैं यहाँ पे मॉडरेट हाई रिस्क लेना चाहता हूँ बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड कंपनीज में, तो मैं यहाँ पे इस पे सेलेक्ट करूँगा और मुझे यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। अब जिस टाइप का आप रिस्क लेना चाहते हो उस हिसाब से आपने सेलेक्ट करके प्रोसीड किया, आपको फोन पे एक म्यूचुअल फंड कंपनी सजेस्ट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे मुझे ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट म्यूचुअल फंड सजेस्ट किया है। तो ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है, अर्थात ये कंपनी के शेयर्स के साथ साथ, अर्थात शेयर मार्केट के साथ साथ डेट में भी इन्वेस्ट करता है, और डेट में इन्वेस्टमेंट कम रिस्की माना जाता है। तो चूंकि ये अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करता है इसीलिए इसको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कहा गया है। यहाँ आप इसका 3 साल का रिटर्न देख सकते हो, जब से ये म्यूचुअल फंड कंपनी चालू हुई है, लॉन्च हुई है। इसका पर एनम इंटरेस्ट रेट देख सकते हो 14.61% है। इसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, अर्थात आप अगर अभी इन्वेस्ट करो तो जब चाहो आप इसको विदड्रॉ कर सकते हो। कई ऐसे म्यूचुअल फंड कंपनी होते हैं जिसमें कि आपको पैसा इन्वेस्ट करने के बाद लॉकिंग पीरियड मिलता है 1 साल 2 साल का। तो ऐसे में क्या होता है, जितना लॉकिंग पीरियड होगा उतने समय तक आप पैसे विदड्रॉ नहीं कर सकते, अर्थात इन्वेस्ट करने के बाद लॉकिंग पीरियड तक पैसे विदड्रॉ नहीं कर सकते। तो इस म्यूचुअल फंड कंपनी की रेटिंग 5 है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आप यहाँ पे व्यू मोर डिटेल्स पे क्लिक करके और भी डिटेल देख सकते हो, जैसे कि इसका फंड साइज, लॉकिंग पीरियड 0 है, इसे मैंने समझा दिया, रिस्क इसमें हाई है, एक्सपेंस रेशियो, इसे आपको समझना ज़रूरी है। तो म्यूचुअल फंड कंपनी आपका पैसा स्टॉक मार्केट में, डेट में और भी जगहों पे इन्वेस्ट करके उसको ग्रो करेगी, तो इसके बदले में वो आपसे चार्ज लेगी, अर्थात कुछ पैसा लेगी, तो इसको कहेंगे एक्सपेंस रेशियो। तो ये यहाँ पे 1.76% है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करता हूँ
तो 1 लाख का 1.76% इस म्यूचुअल फंड कंपनी को जाएगा, जो कि होगा 1,760 रुपये 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करने पे। ये मैंने एक एग्जांपल दिया। इसके अलावा यहाँ पे आपको NAV दिख जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। ये दर्शाता है म्यूचुअल फंड के एक यूनिट का वैल्यू, जो कि यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड के केस में 241.24 रुपया है। NAV अर्थात नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आता है। ये फॉर्मूला होता है एसेट माइनस लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दोगे तो आपको ये NAV भी एलोकेट किया जाएगा। जैसे कंपनी होता है, कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स होता है और उसका शेयर प्राइस भी होता है, उसी तरह से म्यूचुअल फंड में आपको यूनिट और NAV मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कितना मिनिमम इन्वेस्ट करना है। इसके अलावा यहाँ पे आप विड्रॉवल चार्जेस देख सकते हो। नीचे स्क्रॉल करके आप इसका रिटर्न कैलकुलेटर भी देख सकते हो। यहाँ पे आप जैसा भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, मंथली SIP या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया लमसम, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। मैं मंथली SIP करना चाहता हूँ, 500 रुपीज़ पर मंथ करना चाहता हूँ, और मैं 7 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे। और यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा, अर्थात एक्सपेक्टेड रिटर्न 15.73% पर एनम रिटर्न के साथ। तो जो आपका टोटल अमाउंट बनेगा वो इतना बनेगा। यही अगर आप 500 रुपीज़ फिक्स डिपॉजिट में हर मंथ इन्वेस्ट करते हो तो केवल 50,957 बनता। तो मान लो मैं इस म्यूचुअल फंड कंपनी के डेटा से सेटिस्फाइड हूँ और मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो सिंपली मुझे प्रोसीड टू इन्वेस्ट पे क्लिक करना है। अब मुझे सेलेक्ट करना होगा कि मंथ की किस तारीख को मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो मान लो आप जॉब करते हो और महीने की 30 या 31 तारीख को आपको सैलरी मिलती है, अर्थात महीने के लास्ट में तनख्वाह आती है, और तनख्वाह आने के बाद मैं 5 तारीख को इस म्यूचुअल फंड में पैसे डालना चाहता हूँ, हर मंथ SIP करना चाहता हूँ, तो डेट सेलेक्ट करके मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आपको ऑटो पेमेंट सेटअप करने के लिए कहा जाएगा। ऑटो पेमेंट सेटअप करने के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से पैसे डेबिट होकर के इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा मंथ ऑन मंथ, जो भी आपने डेट सेलेक्ट किया होगा उसी तारीख को। तो सिंपली मैं सेटअप ऑटो पे पर क्लिक कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे अपना UPI पिन इंटर करना होगा। इस तरह से आपका पेमेंट हो जाता है, देख सकते हो पेमेंट हो चुका है। अब यहाँ पे आप SIP डिटेल्स पे क्लिक करके डिटेल्स चेक कर सकते हो। अभी SIP क्रिएशन प्रोग्रेस में है, इसमें 1 दिन तक का टाइम लग सकता है। इस बीच में आप कुछ भी मॉडिफिकेशन या फिर डिलीट नहीं कर सकते। उसके बाद आपको NAV एलोकेट किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप खुद से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होगी, तो आप AngelOne में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसके लिए आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो, जो कि आपको एंड स्क्रीन पे दिख रहा।